वाह, देख सकते कितना टेस्टी लग रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए और एक न्यू रेसिपी लेकर के आए हैं। ये देखिए, ये ऑल है, या फिर आप इसको सुरन भी बोल सकते हैं, एलिफेंट फूड भी बोलते हैं, हर एक जगह में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो हम लोग तो इसको ऑल भी बोलते हैं, सुरन भी बोलते हैं। तो आज इसी का रेसिपी होने वाला है, एकदम सा सिंपल सा बना के दिखाने वाले हैं आप लोगों को फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने एक बड़े से मैंने सुरन लिए हैं, जिसको ऑल भी बोलते हैं। ये देखिए, इतने बड़े से लिए मैंने। तो इसको मैं काटने की कोशिश कर रही हूँ, देख सकते हो मैं बीच में से कट कर रही हूँ। और ये देखिए, बीच में से कटने के बाद मैं इसको ऐसे तोड़ करके देख रही हूँ। ये देखिए, कट चुके हैं अच्छी तरह से। तभी फिर से बीच में मैं कट करूँगी, फिर कट करने के बाद फिर इसको मैं ऊपर का जो छिलका होता है ना, ये सारे को मैं अच्छे से निकाल लूँगी, ये देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, ये मतलब है ना, हल्का सा मतलब इचिंग टाइप भी लगता है। तो अगर आपको इचिंग टाइप का अगर लगता है, तो आप मतलब इसको काटने से पहले आप हाथ पे तेल लगा करके आप इसको काट सकते हो। तो देख सकते हैं, आज हम आप लोगों के लिए मतलब यही रेसिपी लेकर के आए। तो ये देखिए, मैं ऊपर का जो है ना, वो ब्लैक ब्लैक टाइप का दिखता, ब्राउन टाइप का, तो उसको हम निकाल के फेंक दे रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। तो इसी तरह से मैं सारे को निकाल करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर इसको है ना फ्राई करके बनाऊँगी, बहुत ही अच्छा सिंपल सा रेसिपी आप लोगों को बना के दिखाऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इसको कौन सा नाम से जानते हो, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इसको है ना बहुत ही तरह के नाम से जानते हैं, मतलब क्या क्या नाम से जानते हैं, सब जगह में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं ना। तो आप लोग मुझे बताना कि आप कौन से जगह से हो और आप इसको क्या बोलते हो, प्लीज़ कॉमेंट करो। कॉमेंट करने से कुछ नहीं होता, बस कॉमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मतलब छील रही हूँ, मतलब इसको छीलना मतलब बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए, ऊपर का जो छिलका मैं छील करके फेंक दे रही हूँ। तो चाकू के सहारे से भी आप छील सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ से आप इसको छील सकते हो। ये देखिए, ये बहुत ही आसान से निकल जाता है ऊपर का छिलका। और आप लोग कैसे किस तरह के बनाते हो, मतलब इसको फ्राई करके बनाते हो या फिर आप किस टाइप का बनाते हो? तो मैं तो फ्राई करके बनाने वाली हूँ आज आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, मैंने है ना पूरा मतलब अच्छे से छील लिए हैं। ये देखिए, अच्छे से छीलने के बाद मैं इसको छोटे छोटे कट कर लूँगी। ये देखिए, छोटे छोटे कट करने के बाद मैं इसको धो लूँगी बाद में। तो ये देखिए, छोटे छोटे, तो मैं थोड़े से पतले पतले रख रही हूँ, ताकि फ्राई होने के टाइम में जल्दी से पक जाए। तो इसीलिए मैं इसको है ना थोड़े पतले पतले रख रही हूँ, देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हो। ये देखिए, एकदम सा सिंपल सा रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देख सकते हो, सारे कट के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, सारे को मैंने कट भी कर लिया। कट करने के बाद मैंने इसको धो लिए हैं अच्छे से। धोने के बाद है ना, मैं इसको फ्राई करके बनाने वाली हूँ। तो इसमें पानी है, तो उसको मैं पोंछ रही हूँ। ये देखिए, इसमें पोंछ रही हूँ मैं, और इसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे को मैंने पोंछ लिए हैं। अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और ये देखिए, मैंने प्याज लिए थे छोंकने के लिए, तो इसको भी छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ, देख सकते हो। छोंकने के लिए रखी हूँ मैं इसको, ये देखिए। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ, ये देखिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस टाइप से बनाते हो, मुझे ज़रूर बताना। मैं आप लोग जैसे बनाने के लिए बोलोगे, मैं उस टाइप का रेसिपी भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस टाइप का बनाते हो, मतलब ये सुरन का रेसिपी को, ओल का रेसिपी को आप किस टाइप से बनाते हो। तो ये देखिए, प्याज मैंने कट के कंप्लीट कर दिया, और टमाटर भी कट कर लिया। और इसमें देखिए, लहसुन है, अदरक है, और हरी मिर्ची है, तो उसको मैंने कूट लिया है उसमें। तो ये देखिए, इधर भी ये धो लिए हैं, धो के कंप्लीट हो गए हैं, और इसको कपड़े से पोंछ करके सुखा भी लिए हैं हल्के से, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो अभी फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा के, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका था, तो उसके ऊपर मैं तेल लगा दे रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, तेल भी मेरा गर्म हो गया था। तो अभी मैं जो छोटे छोटे टुकड़े कट की थी ना ऑल को, तो उसको मैं लगा दे रही हूँ। ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरह से फ्राई कर लूँगी, कि जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ इसको अच्छे तरह से। ये सॉफ्ट जैसे हो जाएंगे थोड़े से और कलर चेंज हो जाएंगे ना, गोल्डन टाइप, ब्राउन गोल्डन हो जाएंगे तब इसको उतारेंगे। तो अभी तक कलर चेंज हुए नहीं है, देख सकते हो पहले जैसे है वैसे ही है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मतलब इसका टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एकदम सा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पक गए हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए करछुल से मैंने ऐसे ये करके देखा तो सॉफ्ट लग रहे थे तो इसको निकाल दे रही हूँ। ये देखिए तो इसी तरह से बारी बारी सभी को फ्राई कर लेंगे अच्छे तरह से। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ इसको अच्छे तरह से। सारे को निकाल करके मैं उसी प्लेट में साइड में रख रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो उसी तरह से दूसरे वाला जो है ना उसको भी फ्राई कर लूँगी अच्छे तरह से, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही अच्छा लगता है इसको, मतलब है ना बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट एकदम सन, क्या बोलते हैं उसको, एकदम चिकन मटन से भी अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं सारा फ्राई करके कंप्लीट हो गए हैं। तो जो तेल बचे थे ना जिसमें मैंने फ्राई की थी ना, उसी तेल में मैं जीरा लगा के छोक रही हूँ। ये देखिए जीरा लगा दी, फिर जीरा लगाने के बाद मैं इसमें जो प्याज को कट की थी ना छोटे छोटे, मैं उसको डाल दे रही हूँ। ये देखिए तो इसको भी गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, थोड़े से पका लेती हूँ इसको भी अच्छे तरह से। ये देखिए तो अभी मैं कलर के लिए कश्मीरी चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग, इससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए मैं इसमें कश्मीरी चिल्ली पाउडर लगा दी हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैं बनाई थी ना तो उसको भी मैं लगा दे रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो आप लोग मिक्सर में भी कूट सकते हो, लेकिन मैं मिक्सर में नहीं की, मैं इसी में कूट दी थी, देख सकते हो आप लोग। वाह कितना अच्छा सा खुशबू आ रहा है कि क्या है बताइए, बस बना के देखो बहुत ही अच्छा लगता है एकदम। और इसके बाद मैं लगाऊंगी छोटे छोटे टुकड़े में कट की थी ना टमाटर, उसको मैं लगा दे रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। अभी मैं लगा दूंगी इसमें नमक, ये देखिए ये नमक है, नमक को लगा दे रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद लगा दी मैं हल्दी, इसके बाद लगा दे रही हूँ मसाला, घर के जो मसाले हैं ना उसी मसाले से मैं सिंपल सा मैं बनाती हूँ। आप लोगों को बताया कि मैं घर के जो मसाले हैं ना वही मसाले से मैं हर एक रेसिपी को बनाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड जो फ्राई की थी ना, सारे फ्राई जो की थी ऑल को, सूरन को फ्राई की थी अच्छे तरह से, तो अभी मैं उसको डाल दे रही हूँ। ये देखिए तो मैंने है ना इसको पतले पतले कट किए थे, तो फ्राई करने के वक्त ही उसी टाइम ही एकदम से सॉफ्ट हो गया था। ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा, वाव। और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स की क्या ही बताएं, एक बार ट्राई करके देखो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर बनाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम लोग भी बनाते हैं, अगर नहीं बनाया हो तो एक बार ट्राई करके देखो मेरा रेसिपी देख करके, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एक बार बना के देखो। तो फ्रेंड्स मैंने ढक करके पका दिए थे थोड़े से, तो फिर पकाने के बाद लहसुन अदरक जिसमें कुटी थी ना तो उसी में मैं पानी डाल करके फिर उसी पानी को इसमें डाल दे रही हूँ। तो अभी मैं इसको और थोड़े से पका लूँगी, मैं इसको थोड़े से और पका लेती हूँ, दो तीन मिनट तक इसको पका लूँगी अच्छी तरह से। वाह देख सकते हैं कितना अच्छा सा पक के रेडी हो गया है। तो अभी मैं धनिया पत्ता में दे रही हूँ इसमें, देख सकते हो मैं इसमें धनिया पत्ता लगा दी हूँ। ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, एकदम सा खुशबू आ रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, वाह कितना टेस्टी लग रहा है कि क्या ही बताएं। आप मटन खाना छोड़ दोगे, आप इस तरह से रेसिपी बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसे लगा। ओके फ्रेंड्स बाय।